आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर नगर निगम भिलाई के तत्वावधान में उत्कृष्ट सम्मान समारोह का आयोजन शहीद पार्क सेक्टर 5 में किया गया। यहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव व महापौर नीरज पाल विशेष रूप से शामिल हुए। यहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। देशभक्ति का जज्बा लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई के इतिहास में पहली बार नगर पालिका निगम भिलाई के तत्वावधान में, साथ ही महापौर नीरज पाल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम आजादी का जश्न मनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया व जनगण मन गीत प्रस्तुत किया गया। यहाँ विशेष रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल विशेष रूप से शामिल हुए। यह हम आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम के इतिहास में ऐसा आयोजन पहली बार किया गया जब शहर भर के चुनिंदा लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर समाज सेवा कर रहे हैं व विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर उत्कृष्ट कार्य कर प्रदेश व जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान की कड़ी में शहीद कपिल देव पांडे की स्मृति में उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। वहीं बशीर अहमद खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही इनके बंचोर स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के 3 बार लगातार चेयरमैन पद पर रहने वाले उनका भी सम्मान किया गया। वहीं आदिम जाति कल्याण केंद्र में बेहतर कार्य करने वाली उर्मिला ओझा को सम्मानित किया गया। वहीं तनय जैन, कृतिका जैन व रक्षा जैन के द्वारा कैंप 1 क्षेत्र में भीषण आगजनी से पीड़ितों को अपने गुल्लक में रखी राशि भेंट कर मदद करने वालों का सम्मान किया गया। खुशी गुप्ता को नगर पालिका निगम भिलाई के लिए मोनो का डिजाइन तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री एम एस त्रिपाठी एवं फादर राजू थॉमस को सम्मानित किया गया। साथ ही नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रभंजा चतुर्वेदी एवं राखी राय को सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री अमित राज, श्रीमती डिम्पल कौर एवं रेड ड्रॉप फ्रेंड्स क्लब ब्लड डोनेशन टीम को सम्मानित किया गया। लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदीप शर्मा एवं श्रीमती जागेश्वरी मेशराम को सम्मानित किया गया। वहीं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेमराज जाचक टेबल टेनिस अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक व कोच को सम्मानित किया गया। साथ ही जूही देवांगन को भी सम्मानित किया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर नेलिनी एवं श्री डीपी देशमुख को सम्मानित किया गया। साथ ही अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पेशे इमाम अजमलुद्दीन हैदर एवं आशा बहन को सम्मानित किया गया। उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विजय गुप्ता, श्री एस स्वामीनाथन एवं श्रीमती लता शाह को सम्मानित किया गया। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर राजीव पाल, डॉक्टर विजया बाकोड़कर एवं डॉक्टर संजीव कुमार इसर को सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री एन एस के टांको एवं रुचि सेठ को सम्मानित किया गया। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जागेश्वर एवं प्रेम आनंद राव को सम्मानित किया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन हर शहीद परिवार को। हम सभी के लिए गौरव की बात है और इस गौरव को आज से बेहतरीन और क्या दिन हो सकता है जब हम हमारी स्वतंत्रता को सम्मान हो रहा है। सम्मान की तारीफ आप भी अपेक्षित करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो अभी भी पीछे मतलब छूट गए हमसे, हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में उन सबको समेट के हम एक माला के रूप में यहाँ इकट्ठे हो सके। सभी लोग अपना इसी तरह प्रयास करते रहे, सब अपने अपने फील्ड में काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी एक बात हुई कि इस देश को हमको बढ़ाना है, निश्चित रूप से भिलाई भी हमारा फर्स्ट होगा, देश भी हमारा प्रथम होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप लोगों को 15 अगस्त आज़ादी के दिन की शुभकामनाएं देते हुए, आप लोगों ने सबने यहाँ समय दिया या उपस्थित हुए, आप सबका मैं धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर आज़ादी का जश्न मनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।